निकाली जा रही है। अब ये सागर जिले में लगभग 3 दिन रहेगी, पिछले कल का दिन गुजर गया है, आज और आने वाले कल। इसके सहप्रभारी हैं गुड्डू बुंदेला साहब, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट खुरई से वो जो है अपनी ताल ठोकने वाले हैं ठाकुर भूपेंद्र सिंह के खिलाफ में मैं बात करता हूँ। बहुत स्वागत है बुंदेले साहब आपका सागर टीवी न्यूज पर। धन्यवाद भाई, उसी का सारे सारे किला है और आक्रोश आपने देखी होगी, जनता परेशान हो गई है, राज्य सरकार को जनता चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में उसको हटाने का संकल्प आदमी ने तो हटा ही दिया है, जनता ने भी मन बना दिया है और कांग्रेस का कुछ ताकत से काम। अभी तो कांग्रेस के बारे में बताना है, जन आक्रोश यात्रा के बारे में अपने बारे में बता दीजिए ना। हमारे बारे में तो आप सबके परिवार के हैं, हम सागर हमारा परिवार है और हमारे पापा यहाँ से काम करते हुए यहाँ आए गए, हम लोग दूसरे साथी परिवार के सदस्य। राजा साहब आप पूरा मन बनाए चुनाव लड़ने का एमपी से? ये तो पार्टी का साइड है, पार्टी का साइड करना है, हमारे आला कमान हाई कमान जो रहेंगे वो करेंगे। तो मन बना के तो मन ये पार्टी का मन हमें कुछ नहीं होता, हमारी पार्टी का जो हाई कमान का आदेश है वो रहेगा। आप भी तो कुछ कह के गए होंगे? हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो जैसे पार्टी में हम शामिल हुए ना सब कुछ, हमने कहा था कि बुंदेलखंड में 26 सीटें हैं, 26 में से एक खुरई सीट भी है जिसके ऊपर पूरी ताकत लगाए हुए है कांग्रेस पार्टी अपनी। देखिए किस तरीके का इस पर कैंडिडेट होना चाहिए, आपने देखा होगा पूरे सागर जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में 3 गुट हैं, शिवराज गुट है, दूसरा शिवराज गुट है, पहला शिवराज हो गया, दूसरा महाराज गुट हो गया, तीसरा नाराज गुट, ऐसी सागर में स्थिति है, एक शिवराज गुट के मंत्री हैं, दूसरे नाराज गुट के मंत्री हैं, तीसरे महाराज गुट के मंत्री हैं, अध्यक्ष जी हैं सबको मालूम है कि यहाँ तीनों कुछ चल रहे हैं और तीनों आपस में लग रहे हैं, पहले एक ही एकजुट नहीं है, लड़े क्या हम लोग ऐसे काम बहुत पसंद थे जिनको बता के सब बढ़ा। राजा साहब आप कह रहे पार्टी संगठन टिकट देगी तो हम जरूर चुनाव, अगर मान लीजिए खुरई से देते हैं तो आपकी तैयारी पूरी है? आप पार्टी का हाईकमान का आदेश हम कहीं आप लड़ेंगे? हाईकमान का आदेश हम कभी हम लोग ऐसे हैं कि जानते नहीं है, जाना है योद्धा है, जहाँ पार्टी का आदेश होगा देखा तो समय आ जाए, पहले आपका टिकट क्लियर होना है जो पार्टी का आदेश होगा। मतलब नहीं बोल रहे थे बात करने के लिए शुक्रिया, आपसे बात होती है, धन्यवाद भाई है मैदान में जहाँ से और योद्धा है जहाँ से गुड्डू बुंदेला साहब, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये खुरई विधानसभा से ताल ठोकेंगे, लेकिन हाई कमान ने शायद उनको सख्त हिदायत ये दे रखी है कि वो अभी अपनी जुबान ना खोले। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।